सब्सक्राइब कीजिए संजू इन्फॉर्मर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजू इन्फॉर्मर में। मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी, अब सस्ता मिलेगा पेट्रोल और डीजल। दिवाली से एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। गुरुवार यानी 4 नवंबर दिवाली से पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये कम किया जाएगा। इससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों पर मिलेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि देश में ऊर्जा की कमी न हो और पेट्रोल और डीजल जैसी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से देश में उपलब्ध हो। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में लगातार 7 दिनों तक बढ़ोतरी के बाद बुधवार 3 नवंबर 2021 को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में फिर से 0.35 रुपये की बढ़ोतरी हुई, हालांकि डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। डीजल की कीमतों में सोमवार को 0.33 रुपये की बढ़ोतरी की गई, तब पेट्रोल की कीमत में भी 0.75 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आज दिल्ली में पेट्रोल 110.04 रुपये लीटर और डीजल 98.42 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.85 रुपये प्रति लीटर है और वहीं डीजल की कीमत 106.62 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई है, लेकिन तेल कंपनियों ने आखिरकार पिछले हफ्ते कीमतों में बढ़ोतरी की और इस हफ्ते उत्पाद की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली में आज पेट्रोल 110.04 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.42 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 115.85 रुपये लीटर, वहीं डीजल 106.62 रुपये प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 110.49 रुपये प्रति लीटर तो वहीं डीजल 101.56 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल 106.66 रुपये प्रति लीटर तो वहीं डीजल 102.59 रुपये प्रति लीटर है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हाल ही के महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है, इसी कारण से हाल के सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि हुई है। दुनिया में ऊर्जा के सभी रूपों की कमी देखी गई है, इसी के साथ ऊर्जा से जुड़े उत्पादों की कीमत बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हम गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ख्याल रख रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को काफी कम करने का फैसला किया है। इस कटौती से खपत को भी बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति कम रहेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। धन्यवाद। कंटेंट अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइड में देखो बेल आइकन भी है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।